इलेक्ट्रॉनिक वैन का हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि इन वाहनों को पहले चरण में प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन व धार्मिक स्थलों पर चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राइड विद प्राइड के बेड़े में आरंभ में 50 वाहन शामिल किए जाएंगे। उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के प्रतिनिधियों से 15 से 20 सीटों वाली बिजली चलित यात्री वाहन बनाने की दिशा में कार्य करने का सुझाव दिया ताकि लोगों को किफायती परिवहन सेवा मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए भी गंभीर है और प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए भी सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य में परिवहन व्यवस्था को बिजली चलित वाहनों को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ईंधन की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बड़ी इलेक्ट्रॉनिक बसें बेड़े में शामिल की गई हैं। महिंद्रा को एचआईडीसी का पार्टनर बनकर के देश में पहली इलेक्ट्रिक गाड़ियां आज हिमाचल ट्रांसपोर्ट को गौरव होगा कि हम बिना बस टू स्टार्ट दी इलेक्ट्रिक जिसे पॉसिबल विकास का हार्डवेयर का प्रोडक्ट प्राइस मैनेजमेंट ऑफ एजेंसी सिंस आई टेकन ओवर द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट लॉन्ग विद अदर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट हैज ग्रोन ओवर 100% एंड नॉट ओनली इन इलेक्ट्रिसिटी बट इन मेनी फील्ड वी आर नंबर वन टुडे द एजेंसी हैज कम आउट टू बी नंबर वन government undertaking in the country and we are proud that the first initiative for environment friendly and environment because we live in a devbhoomi hum log devbhoomi mein rehte hain aur usme himachal ko jana isliye jata hai ki it is a tourist state and pilgrim state to hum log environment ko aage apne bachchon ke liye bacha ke rakhte hain आगे और अच्छा काम करें। हमने ये छोटी गाड़ियां 50 ली हैं, अब ऑफिसियल इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वी आर लाइकली टू गेट अनदर 50 व्हीकल जोर अनदर 50 व्हीकल वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग बिगर व्हीकल ऑल्सो दैट इज 26 दिस इलेक्ट्रिक बसेस अलॉन्ग विद स्मॉलर दिस थिंग वी आर गेटिंग electric buses also and the new business is only going to be the electric. By 2020 the government has planned to have on all India basis under chairman of the road safety council for Himalayan states also. So in the country we have decided that we have to have the maximum number of electric vehicles in the future.